ठंडी ठंडी हवाएं, शहर सर्दी की लपेट में आ गया, धुंध के भी डेरे। मोटरवे पर हद निगाह, सिफर से 50 मीटर तक रिकॉर्ड। लाहौर के तीनों पॉइंट्स बंद। कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त। गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबी दंगल में जर्नलिस्ट ग्रुप ने मैदान मार लिया। सेक्रेटरी की नशिस्त के सौ तमाम बड़ी नशिस्तें जर्नलिस्ट ग्रुप ने जीत ली हैं। अरशद अंसारी सदर मुंतखिब, जुल्फकार अली महतू सीनियर नायब सदर और जाहिद आबिद सेक्रेटरी बन गए। नायब सदर की सीट पर नासिर आतिक, कराची की सीट पर सालिक नवाज के नाम रही। हाफिज फैज ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखिब हो गए। गवर्निंग बॉडी की 9 नशिस्तों में से 5 पर जर्नलिस्ट ग्रुप ने मैदान मार लिया। 4 सीटें प्रोग्रेसिव के नाम, फाते उम्मीदवार और हिमायतियों का जश्न, फूलों के हार पहनाए। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में दुनिया मीडिया ग्रुप छाया रहा। सेक्रेटरी की नशिस्त पर दुनिया टीवी के जाहिद आबिद बाजी मार गए। जुल्फकार अली महतू सीनियर नायब सदर मुंतखिब हुए। दुनिया टीवी स्पोर्ट्स डेस्क के अहमद रजा गवर्नर बॉडी की नशिस्त पर कामयाब हुए। शहरियों के लिए वोट की मुंतकली और इंदराज के लिए आज की डेडलाइन। शहरी शाम 5 बजे तक दफातर में जाकर वोट का इंदराज और मुंतकली करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के जिला दफातर शहरियों की सहूलत के लिए छुट्टी के रोज भी खुले रहे। मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस का एहतमाम, ठंडा प्रोग्राम, कायद गिरफ्तार, सीनियर रहनुमाओं की पुरइसरार खामोशी। बलदियाती सियासी सूरतहाल नून लीग के लिए परेशान कुन। यौम तासीस में सीनियर रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी। यौम तासीस की तकरीब सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म हो गई। हमजा शहबाज, मरियम नवाज लाहौर में मौजूद मगर तकरीब में ना आए। सरदार अयाज सादिक, शाहिद खान अब्बासी, अफजल खोकर भी ना पहुंचे। चंदर खान ही नारे लगाते रहे। कारकुनों में तशवीश। नवाज शरीफ ने अपनी तरक्की के लिए नहीं मुल्की तरक्की के लिए जिद्दोजहद किया। मियां साहब के साथ ज्यादती हुई और झूठे केसेस बनाए गए। परवेज मलिक का खिताब, शायस्ता परवेज मलिक का कहना था कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में नून लीग ही कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बना सकती है, अब्दुल अलीम खान का दावा। शहबाज शरीफ खुशी मनाए, उनके अली बाबा और 40 चोर काबू आ गए। आसिफ सरदारी की सिंध कार्ड खेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। सीनियर सूबाई वजीर की गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने नौ बलदियाती अराकीन और साबिक नाजिमीन मियां इफ्तखार और आमिर खलील की मुलाकात। पीपल्स पार्टी यकतरफा एहतसाब और इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेगी। कौम को चोर और डाकू कहने वाले मुंसिफों को अब इंसाफ करना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा, चौधरी मंजूर, असलम गुल की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर बैठे हैं। सिंध हुकूमत तोड़ने की कोशिश हो रही है, भरपूर जवाब देंगे। आपकी हुकूमतें खत्म करने के लिए किसी ठोकर की जरूरत नहीं। असगर खान केस भी फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। शहर के 70 स्कूलों की इमारतें इंतहाई खतरनाक। मेकवा स्कूल एजुकेशन ने तरजीही बुनियादों पर तामीर का फैसला कर लिया। बुनियादी सहूलियात फराहम करने से कबल स्कूलों की खतरनाक इमारतों की तामीर करेंगे। इमारतों का खुद दौरा करके प्लान तश्कील दिया जाएगा। सूबाई वजीर डॉक्टर मुरादराज की गुफ्तगू। आईजी पंजाब के अहकाम पर डीएसपी की कैटेगरी के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का काम शुरू। फील्ड अफसरान की हतमी रिपोर्ट के बाद डीएसपी की नई कैटेगरीज की फहरिस्त बनाई जाएगी। फील्ड में सिर्फ ए और बी कैटेगरी में फाल करने वाले डीएसपी को तैनात किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। पीआईए के कमर्शियल पायलट्स भी सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिडार पर आ गए। 400 से ज्यादा पायलट्स के लाइसेंसों की जांच पड़ताल का अमल दोबारा शुरू। डिग्रियों की तस्दीक का अमल मुकम्मल होने तक नए लाइसेंस का इजरा और तजदीद रोक दी गई। डीजी सिविल एविएशन की लाइसेंस की तजदीद और तस्दीक को हंगामी बुनियादों पर जेर गौर लाने की हिदायत।
सर्दी में इजाफा, कहीं गैस प्रेशर में कमी तो कहीं लोड शेडिंग, दो वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल। एलपीजी माफिया ने गैस के निर्ख बढ़ा दिए, एलपीजी 180 रुपए से 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, शहरियों की अपील। गैस की लोड शेडिंग, सूबाई दारुल हुकूमत में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर, कोयले की मांग भी बढ़ गई। ताज मालिकान के अपने रेट, लकड़ी 800 से 900 रुपए फी किलो मन फरोख्त, कोयला भी 70 रुपए किलो हो गया। गैस मिलती नहीं, मजबूरन लकड़ियां जलानी पड़ती हैं शहरी।